हाय गाइस, स्वागत है आपका मसालेदार कुकिंग में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और सबकी फेवरेट वेज चाउमीन। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम नूडल्स बॉईल करेंगे, तो एक भगोले में 3 से 4 कप पानी गर्म कर लीजिए। जैसे ही पानी गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे 1 से 2 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल। अब उसी के साथ हम डालेंगे नूडल्स। नूडल्स को बॉईल होते हुए कुछ 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और नूडल्स रेडी हो गए हैं। तो आइए इसे अब हम स्ट्रेन कर लेते हैं। जैसे ही आप नूडल्स को स्ट्रेन कर लेंगे तो इस पे आप डालें 1 टीस्पून ऑयल और अच्छे से मिक्स कर लें। इससे क्या होता है, नूडल्स आपस में चिपकते नहीं हैं। नूडल्स को कुछ देर ठंडा होने देंगे, तब तक हम वेजिटेबल्स चॉप कर लेंगे। ये कुछ वेजिटेबल्स है जिन्हें मैंने जूलियंस में कट कर लिया है। तो आइए अब नूडल्स बनाते हैं। एक कढ़ाई या चाइनीज वॉक ले लीजिए, उसमें डालिए 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून बारीक कटा अदरक और 1 टीस्पून बारीक कटा लहसुन। और अब इसमें डालेंगे हम 1/2 कप स्प्रिंग अनियंस। यहाँ सिर्फ अनियंस डालना है, ऊपर का ग्रीन लीव्स हम लास्ट में यूज करेंगे। फ्लेम को हाई रखें और मिक्स करते रहें। अब डालें 1 कप कैप्सिकम। यहाँ मैंने येलो, ग्रीन और रेड कैप्सिकम यूज की है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज कर लीजिए। अब डालेंगे इसमें हम 1/2 कप प्याज, थोड़ा सा नमक डालें और अच्छे से मिक्स करते रहें। अब डालेंगे इसमें हम 1/4 कप पत्ता गोभी और 1/4 कप गाजर। फ्लेम हाई रहने दीजिए, हमें इन वेजिटेबल्स को थोड़ा रॉ ही रखना है, तो इन्हें आप कुछ 2 से 3 मिनट तक सौते करें। वेजिटेबल्स रेडी है, तो अब डालेंगे इसमें हम बॉइल्ड नूडल्स। इसी के साथ हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस और 1 टेबलस्पून विनेगर। इन सबको मिक्स करें अच्छे से। और ये देखिए, रेडी है मजेदार वेज चाउमीन। इसे गार्निश करें आप स्प्रिंग अनियन से और सर्व करें। ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी चाउमीन कैसी बनी। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।